हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय दीपक बावरिया जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। अब कल भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उन्होंने अभी एक हमारे ने एक बिल्कुल नई ज्वाइन करी थी जी, ठीक है ना, उनको भी स्पष्ट कह दिया कि भाई नहीं, पहले एक साल तक काम करिए, कांग्रेस की पार्टी की मुख्य धारा में आइए, उसके नीति और कार्यक्रम के अनुसार चलिए, ज़मीन पर काम करके दिखाइए, तभी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बूथ की सूचियाँ सौंपी है और अपने आप को उन्होंने साबित किया है, उनमें से जो बेहतर कैंडिडेट जो आदमपुर को जीत के दे सकता है उसी को ग्राउंड रिपोर्ट से दिया जाएगा, बाहर के आने वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में टिकटार्थियों की जो लिस्ट है उसमें एक मजबूत दावेदार है डॉक्टर संजय जौहर, और उन्हीं का ये कार्यक्रम है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है आदमपुर में। संजय जौहर एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं अगर पार्टी उन पर गौर करती है, पार्टी उनको टिकट देती है, और यही दिखाने के लिए आज बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जबरदस्त भीड़ के साथ में दम दिखाने की पूरी कोशिश, भरोसा मेरे को जनता पे है, तो जनता साथ दे रही है, जनता से अपार स्नेह मिल रहा है और बहुत साथ मिल रहा है, तो जो सर्वे में जाएगा उसकी टिकट होगी। लोग इस बार कोई चाहे कुछ भी कहे, लोग इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव होके रहेगा, ये तय है, बदलाव होके रहेगा। लोग त्रस्त थे, सारी आपने हालत देखे होंगी, हम भी रूट बदल के आए हुए हैं, तो काम कहीं पे नहीं हो रहे, तो अभी लोग त्रस्त हैं, चाहे वो पानी की तरफ से हो, पीने के पानी की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, सड़कें हैं, स्कूल है, बाकी सारी व्यवस्था, हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, और सरपंच कोई बोले या ना बोले लेकिन सरपंच भी दुखी हैं, डंडे पड़े हैं उनके भी, तो लोग हर वर्ग इसमें दुखी है। जी परवेश जी, क्या कहेंगे, एक तरह से चुनावी दौर चल रहा है, उसी बीच में बूथ कार्यकर्ताओं के मीटिंग निरंतर चल रहा है, और इस वक्त आदमपुर में आप हैं और डॉक्टर संजय जौहर आपके सामने हैं। हाँ जी, ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिन जिन लोगों ने हमारे को बूथ की अपनी सूचियाँ दी है, जो हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी ने अभी चार दिन पहले भी कहा था कि भाई जिन्होंने हमारे को बूथ की सूचियाँ सौंपी हैं हम उनके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे, जिन्होंने नहीं सौंपी है उनके ऊपर विचार नहीं करेंगे। तो उसी कड़ी में जो है वो हमने ये जिम्मेदारियाँ दी हैं, जिन्होंने अब डॉक्टर साहब की सूची हमारे पास आ गई तो उनके कार्यकर्ताओं से हमें मिलना है, और लगातार आप लोग कवर कर रहे हो, आप लोगों का भी धन्यवाद, आदमपुर में काफ़ी कवर अच्छा किया। आप हर हल्के जाते हैं, बूथ में जो कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब का जलवा कैसा नजर आ रहा है? देखिए, हमारा डॉक्टर साहब का जलवा क्या, हमारे तो जितने भी आदमपुर में टिकट मांगने वाले हैं सभी का जलवा एक से एक बेहतर है, और आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से दिखाते हो, ये आप ज़्यादा बेहतर बता पाते हो कि किसका जलवा कितना बेहतर है, क्योंकि मैं तो यही हूँ लेकिन आपके मीडिया का जो रोल है चौथे स्तंभ के रूप में वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कहीं बेहतर दिखा पाते हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये तो मेहनत यही कर रहे हैं भाई, कहते हैं कि भाई करता है कन्हैया तेरा नाम हो रहा है, तो करते तो ये लोग है, बस मेरा नाम हो रहा है और कुछ नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि इस वक्त जो निष्पक्ष रूप से जो सर्वे के आधार पे और जो रिपोर्ट गई है उसके आधार पे टिकट दिया जाएगा, या कहीं ना कहीं ऊपर वाले या कोई नेता ऐसे चलाएंगे कि नहीं हमारी चलनी चाहिए और ये कैंडिडेट है फाइनल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय दीपक बावरिया जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। अब कल भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उन्होंने अभी एक हमारे ने एक बिल्कुल नई ज्वाइन करी थी,
ठीक है ना, उनको भी स्पष्ट कह दिया कि भाई नहीं, पहले एक साल तक काम करिए, कांग्रेस की पार्टी की मुख्य धारा में आइए, उसके नीति और कार्यक्रम के अनुसार चलिए, जमीन पर काम करके दिखाइए, तभी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बूथ की सूचियाँ सौंपी है और अपने आप को उन्होंने साबित किया है, उनमें से जो बेहतर कैंडिडेट जो आदमपुर को जीत के दे सकता है, उसी को ग्राउंड रिपोर्ट से दिया जाएगा, बाहर के आने वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाकर चुनाव लड़े, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो शुरू से ही जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है, और वो हमेशा से, जब पहले विधायक जीत के आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जिसको चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। अभी उनका ये कहना ठीक है, उनकी पार्टी का मैटर है, वो अपना देखें, दूसरे की पार्टी में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं वो।